नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि अब से मैच एक दिन बाद ही टीम इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में पहला वनडे मैच खेला जाना है और इसको लेकर टीम इंडिया में हलचल तेज है। कई सारे खिलाड़ी अभी भी फिक्स नहीं हो पाए हैं टीम इंडिया में, तो कई खिलाड़ियों को कोरोना वायरस की वजह से बाहर बैठना पड़ रहा है। ऐसे में भारत की जो क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कौन से खिलाड़ियों को और मौका मिलने वाला है और रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इन तमाम सवालों के जवाब आप सभी को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ बात करेंगे कि क्या केएल राहुल फर्स्ट मैच में खेलने वाले हैं या फिर नहीं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। टीम इंडिया में अचानक हुई इस धाकड़ बल्लेबाज की एंट्री, रोहित के साथ करने वाला है ओपनिंग। बता दें, 6 फरवरी से वनडे सीरीज का भारत और वेस्ट इंडीज के बीच आगाज होगा, लेकिन टीम को काफी बड़ा इससे पहले झटका लग चुका है। दरअसल भारतीय खेमे के कई खिलाड़ी इस सीरीज से पहले कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें शिखर धवन, ऋतुराज गायकवाड़ और श्रेयस अय्यर भी शामिल हैं। बीसीसीआई ने मयंक अग्रवाल को खिलाड़ियों के पॉजिटिव आने के बाद टीम से जोड़ लिया था, लेकिन अब ईशान किशन को भी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली जाने वाली वनडे सीरीज के लिए टीम में जगह दे दी गई है। बतौर सलामी बल्लेबाज उन्हें टीम में जगह मिली है। ऐसे में उन्हें रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग की जिम्मेदारी संभालते हुए देखा जा सकता है। वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली जाने वाली टी20 सीरीज के लिए 23 साल के ईशान किशन भारतीय टीम का हिस्सा हैं, इसलिए बायो बबल में पहले से ही मौजूद हैं। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि वो वनडे सीरीज में खेलेंगे या फिर नहीं। बता दें कि टीम का केएल राहुल भी हिस्सा है, लेकिन वो निजी कारणों के चलते पहला मैच नहीं खेल पाएंगे। बता दें कि अब तक 2 वनडे मैच ईशान किशन भारतीय टीम के लिए खेल चुके हैं, जिसमें से उन्होंने एक मैच में अर्धशतकीय पारी भी खेली थी। इस दौरान उनके बल्ले से 60 रन निकले थे। इसके अलावा इस बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज ने 5 टी20 मैच भी खेले हैं। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि भारतीय टीम के जो केएल राहुल हैं वो पूरी तरह से पहले मैच से बाहर हैं, लेकिन बाकी के मैच तो केएल राहुल खेलेंगे। हालांकि ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि केएल राहुल पहला मैच क्यों नहीं खेल रहे हैं, लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि भारत के कुछ खिलाड़ी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें शिखर धवन, ऋतुराज गायकवाड़ और श्रेयस अय्यर जैसे धाकड़ बल्लेबाजों का नाम शामिल है। अब ऐसे में मयंक अग्रवाल को जहां बीसीसीआई बुला लिया है, तो वहीं ईशान किशन की भी टीम में एंट्री हो रही है। देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि कौन अब रोहित शर्मा के साथ पहले वनडे में ओपनिंग करता है। यहां मयंक अग्रवाल को मौका मिलेगा या फिर ईशान किशन को मौका मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि शिखर धवन जो कि बेहतरीन ओपनर थे वो भी बाहर हैं, ऋतुराज गायकवाड़ जो कि रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग का एक विकल्प थे वो भी बाहर हैं, और केएल राहुल ने भी अब पहले मैच से छुट्टी ले ली है। देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि ऐसे में रोहित शर्मा किसके साथ ओपनिंग करना चाहेंगे। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।